नमस्कार फ्रेंड, रजना की रसोई में आप सबका स्वागत। यहाँ पे हमने एक गिलास पानी लिया जो कि 250 ग्राम। यहाँ पर हम 250 ग्राम चीनी लेंगे। आप दोनों को मेल्ट होने देंगे। एक तार की चाशनी बनने के लिए यहाँ हमने एक गिलास पानी और 250 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। अब हमारी चाशनी बन करके तैयार हो रही है। इसको हल्का से चला लेंगे। हल्का से चलाने के बाद फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, हल्का गरम है। अब हम इसमें 2 बड़े टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी ऐड करने के बाद घी को हम मेल्ट होने देंगे। जब तक हमारा घी मेल्ट हो रहा तब तक हम चावल का आटा लेके आ रहे हैं। चावल का आटा हम यहाँ पे आधा किलो लेंगे, 500 ग्राम। फ्रेंड, वहाँ पे हमने 250 ग्राम चीनी लिया है और 500 ग्राम आटा। जितना 500 ग्राम आटा है, 250 ग्राम चीनी आधा होना चाहिए। अब हम इसको इसी में ऐड कर देंगे। इसको हमने सिलबट्टे पर बारीक पीस लिया है। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको भूनेंगे 15 से 20 मिनट तक। इसको हम लो मीडियम पर ही भूनेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हमारा आटा जल जाएगा और पिन्नी हमारी ख़राब हो जाएगी। अभी हमको इसको भूनते हुए 5-7 मिनट ही हुए हैं। अब हम एक कपड़े से पकड़ेंगे, नहीं तो जल जाएगा हाथ हमारा, इसलिए अब हम इसको पकड़ के इसको फिर से हिलाएंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे। अच्छी तरह से चलाते हुए हमको इसको भूनना है। गैस का फ्लेम लो ही रखें, नहीं तो हमारा आटा जल जाएगा। जब आटे से एक अच्छे से खुशबू आने लगे तब हम इसमें घरी ऐड करेंगे। हम यहाँ पे कोकोनट काट करके बारीक पीसों में ऐड करेंगे। यहाँ इसमें हमको मेवा नहीं पसंद, इसलिए हम अन्य ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ हमको घरी डालना है। नारियल, कोकोनट हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पे 100 ग्राम जितनी घरी। अब इसको भी अच्छी तरह से चला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमको इसमें चलाना है। अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं। चलाने के बाद अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। चाशनी को अच्छी तरह से चला लेंगे। अच्छी तरह से चलाने के बाद इसको हम चेक करेंगे एक तार की चाशनी हमारी बन करके तैयार है कि नहीं। एक बार हम और चेक करेंगे। हमारी एक तार की चाशनी बन करके तैयार है। अब हम यहाँ पर भी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। हम चाशनी को इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब हम यहाँ पर पूरी एक साथ चाशनी ऐड करके अच्छी तरह से चलाएंगे। जल्दी जल्दी अच्छी तरह से चला लेंगे, देर नहीं करेंगे, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा, जल जाएगा। अच्छी तरह से चलाएंगे इसको, अच्छी तरह से हाथ चलाते रहेंगे। जल्दी जल्दी, कढ़ाई हमारी गर्म है इसलिए आप जल सकते हैं। कपड़ा लगाकर या कोई रुमाल पकड़ के इसको रखें, अपना डुबाहर कर लिया। अब यहाँ पे हम पिन्नी बनाना स्टार्ट करेंगे। पिन्नी बनाने के लिए यहाँ हमने 1 टेबल स्पून घी लिया। घी को हम अपने हाथों में लगाएंगे और हाथ में लगा करके पिन्नी बनाना स्टार्ट करेंगे। पिन्नी का शेप आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। यहाँ हम अब एक लड्डू के अनुसार रख रहे हैं। आपको जैसा शेप पसंद हो ऐसा बना सकते हैं। यहाँ पे टाइट हाथों से हल्का दबा दबा करके हम पिन्नी बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारी एक पिन्नी बन करके तैयार है। अब हम इसमें एक केसर का धागा रख देंगे और सारी पिन्नी बना के रख दें, तैयार कर लेंगे। सारी पिन्नी बन करके हमारी तैयार है। आप देख पा रहे हैं कि सारी पिन्नियों का साइज एक जैसे है। भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करें, बगल के बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।